भारतीय कृषि क्षेत्र में नीतिगत उपायों में खरीद और समर्थन मूल्य यानी प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइस की घोषणा एक अहम नीति है। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाकर उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार के साथ उनको अधिक पैदावार के लिए उत्साहित करना है। किसानों को उनकी फसल का सही और अच्छा दाम मिले, किसानों को अच्छी फसल और पैदावार के बावजूद आर्थिक नुकसान से दूर रखा जाए, ये इस नीति के कुछ मुख्य पहलू हैं। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिशों पर भारत सरकार अलग अलग फसलों के लिए इन मूल्यों की घोषणा करती है। इन मूल्यों को तय करते वक्त किसान की पैदावार क्षमता बढ़ाने और तकनीक के इस्तेमाल के लिए उत्साहित करने को ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसान का हित सबसे ऊपर रखा जाता है, खासतौर से तब जब किसी भी फसल की बंपर पैदावार हुई हो, क्योंकि बाजार में बंपर उत्पादन वाली फसल की कीमत कम हो जाती है। इसलिए किसान को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है और इसी कीमत पर सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी फसल खरीदती है। अर्थव्यवस्था की स्थिति और किसानों के हित को देखते हुए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट सरकार को विभिन्न फसलों की उस कीमत की सिफारिशें देती है जिस पर सरकार उस समय की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज खरीदती है। इसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। यही प्रोक्योरमेंट प्राइस किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बन जाता है। समर्थन मूल्यों के निर्धारण से किसान जब खुले बाजार में जाता है तो बड़े आर्थिक बोली के बल पर उनकी फसल के कम दाम नहीं लगा सकते, क्योंकि किसान को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की जानकारी होती है, जिससे किसान को अपनी पैदावार की सही कीमत मिल जाती है।